चलिए तो अभी बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। सॉरी ये कैमरा थोड़ा ऊपर है, मुझे ऐसे देखना पड़ रहा है, वो लाइट का फोकस नहीं बन रहा था। हाँ तो बड़े दिनों के बाद पता नहीं क्या है, पॉसिबल नहीं हो पा रही है रेगुलर वीडियो आना, इग्नोर करते हैं इस बात को। तो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं दो फेमस नेम रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन वर्ल्फ किशनर रिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, 99% श्योर है कि आपके पेपर में ये आएंगी, गारंटेड आई हुई है बहुत बार। देखिए रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड आप लोग पहले भी देख चुके हो, आप लोगों ने एल्कोहल फिनोल रिएक्शन में भी देखा था कि जब हम कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिडक्शन कर देते हैं ना, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट लाइक NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर LiAlH4 या और भी बहुत सारे थे, हमने की थी बात ये, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप लोग देख सकते हो एल्कोहल की जो वीडियो है, बट ये कुछ नई तरह की है। अभी देखो रिडक्शन वर्ड तो आ रहा है, इनमें बहुत बढ़िया रिडक्शन होगी। अच्छा रिडक्शन क्या होता है पता ना, हाइड्रोजन जोड़ना ऑक्सीजन हटाना, हाइड्रोजन जोड़ना ऑक्सीजन हटाना, ये होती है रिडक्शन। तो इसके लिए शॉर्टकट में बता रहा हूं कि इसमें हम करेंगे क्या, इसमें आप लोगों ने करना है शॉर्टकट, एके चला हाईकोर्ट, एके चला हाईकोर्ट। अभी देखो एके बड़ा फेमस नाम है, एके अरविंद केजरीवाल, अक्षय कुमार, आमिर खान, जो आपका दिल करे, हाईकोर्ट। अब देखो यहां की फुल फॉर्म क्या निकलती है, एके, एके बोले तो एल्डिहाइड, या तो यहां पे एल्डिहाइड होगा या फिर यहां पे क्या होगा, कीटोन होगा। हाईकोर्ट, हाईकोर्ट मतलब इन रिएक्शंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, हाइड्रोकार्बन के अंदर। अभी देखो जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं कुछ ऐसे लिखते हैं ना हम, सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसे होता है ना, ये कार्बन होता है, यहां पे हाइड्रोजन हो सकते हैं यहां पे कार्बन हो सकते हैं। तो अभी आप इनकी रिडक्शन कर दोगे दोनों ही प्रोसेसेस में, क्या होगा, यहां से ये ऑक्सीजन निकलेगा भाई, क्या निकलेगा, यहां से ये ऑक्सीजन निकलेगा और यहां पर क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। रिडक्शन बोलते किसे हैं, ऑक्सीजन को हटाना, हाइड्रोजन को जोड़ना, वो जोड़ दिया और जो ऑक्सीजन हटाए वो क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। होती है सेम फंडा, यहां पे भी ऐसे होगा, एक कार्बोनिल कंपाउंड होगा उसके आप लोग रिडक्शन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कुछ एजेंट लेने हैं, मतलब जो नाम पढ़े ना वो पढ़े हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, या इन रिएक्शंस के अंदर आपने कौन से एजेंट लेने हैं यही पहचान होगी। तो क्या होगा, ये भी कुछ ऐसे बन जाएगा CH2 एंड प्लस में H2। अब समझिए क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या है, वुल्फ किशनर रिडक्शन में क्या है, इसका शॉर्टकट जो मैंने बनाया हुआ है वुल्फ किशनर का, एके चला हाईकोर्ट, एके चला हाईकोर्ट, बस्कर हाइड्राजिन, बस्कर हाइड्राजिन, ये है इसका शॉर्टकट। एके मतलब एल्डिहाइड कीटोन चला कहां पे, हाईकोर्ट चला, मतलब वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन में। क्या होता है हाइड्रोकार्बन, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। बस्कर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किसे कहते हैं, अभी लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करके आए हैं, यहां पे होगा NH2 बस यानी कि बेस, यहां पे आप POH डालोगे एंड एक और सोलवेंट भी लोगे, यहां पे लोगे ग्लाइकोल, क्या लोगे, ग्लाइकोल। एक बार इस रिएक्शन में क्या लोगे भाई, देखो जैसे यहां पे बेस लेते हैं ना, यहां पे एसिड लेते हैं और यहां पे एक अलॉय लेते हैं जिसे बोलते हैं अमलगेटेड जिंक, क्या बोलते हैं, अमलगेटेड जिंक। डेटा ब्लॉक कर रहे हैं हम, अलॉय पता होगा ना, और अमलगम बड़ा फेमस नाम है, अमलगम वर्ड का भी होता है जब किसी में मरकरी का यूज किया जाता है। क्लियर होगी बात, नहीं क्लियर होगी, होगा क्या, यहां से ऑक्सीजन हटेगा, यहां पर हाइड्रोजन हटे लग जाएगा, बस आपके पास कभी क्लेमेंसन आ जाए मतलब आपने जिंक मरकरी लेना है, HCl जानना है। और वुल्फ किशनर में क्या करना है, एक चला हाईकोर्ट, बस्कर हाइड्रोजिन, एल्डिहाइड्रोकिटोन से हाइड्रोकार्बन बनाना है और हाइड्रोजन डालना है, बेस डालना है और सोलवेंट लेना है ग्लाइकोल। एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा मजा आ जाएगा। तो देखिए जैसे हमने यहां पे क्या कर लिया, यहां पे हमने CH3 लिख दिया, यहां पे हमने H लिख दिया, ठीक है, यह डबल बॉन्ड O। अभी देखो मैकेनिज्म मैं नहीं करवा रहा हूं, मैकेनिज्म ना इनका NCERT में नहीं दे रखा, अब मैं बेस फालतू में मैकेनिज्म आपको करवा के कंफ्यूज करता रहा हूं, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। टू दी पॉइंट बात करते हैं जो हमारे लिए बोर्ड्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए तो ये ऑक्सीजन हटेगा भाई, हटेगा तो क्या होगा, यहां से
ये बन जाएगा H2O, ये क्या बन गया CH3CH, ये ऑक्सीजन हट के यहां पे क्या लग जाएगा H2 लग जाएगा। इसी तरह से आप यही रिएक्शन कीटोन पे भी कर सकते थे, C डबल बॉन्ड O, यहां पे है CH3, ठीक है। अब इसमें क्या डालोगे आप, यही अमलगेटेड जिंक एंड HCl, तो अभी क्या होने वाला है, ऑक्सीजन तो बाहर निकलेगा H2 बनाएगा और ये क्या बन जाएगा CH3CH2CH3। प्लीज देखिए जो कन्वर्जेंस आते हैं ना, कन्वर्जेंस बहुत सारे कन्वर्जन आप नेम रिएक्शन से सॉल्व कर सकते हो। आप समझना कि अगर आपको बोले प्रोपेनोन से प्रोपेन कन्वर्ट करो तो मतलब ये आप वहां पे लगा सकते हो, ठीक है। और ये भी क्लियर है भाई, रिडक्शन है, रिडक्शन है मतलब ऑक्सीजन को हटाना है और वहां पे हाइड्रोजन आपने लगाना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, यही फंड आप यहां पे भी कर सकते हो। जैसे यहां पे आप लोग क्या कर लेते हो, यहां पे आप लोग देखो, यहां पे आप लोगों ने ले लिया कीटोन, ले लो एल्डिहाइड भी ले सकते हो CH3CH3CH3, ठीक है। अभी आप इसमें बस कर हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन डाल दो, वैसे H2NNH2 ये है हाइड्रोजन और यहां पे क्या है बस KOH एंड ग्लाइकोल, और ज्यादा करके दिखाना चाह रहे हो तो क्या होगा, यहां से ये H2O बाहर निकलेगा, एक बार यहां से ये N2, जहां पे भी N2 बन सकता है वो तो बिल्कुल बेस्ट होता है कि N2 बना दो, और क्या बन जाएगा CH3CH3H2, बस हाइड्रोकार्बन बना दिया, ये था क्लियर। दोनों ही रिएक्शन बहुत बार आई हुई है, कौन कौन सी, क्लेमेंसन रिडक्शन एंड दूसरी है वुल्फ किशनर रिडक्शन। याद कैसे रखोगे, एक के चला हाई कोर्ट, इनमें आपने क्या करना है एल्डिहाइड और कीटोन से हाइड्रोकार्बन बनाना है। जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि किसकी प्रेजेंस में होगी, क्लेमेंसन रिडक्शन होगी एसिडिक मीडियम में इन दी प्रेजेंस ऑफ अमलगेटेड जिंक, जिंक मरकरी, एंड वुल्फ किशनर किसमें होगी बेसिक मीडियम में इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड सोलवेंट, वहां पे आपने लेना है ग्लाइकोल। ये सिंपल सिलेक्शन होता है, केमिस्ट्री नोट्स बना लो इनके और लिख लो, सर ने बोला है आएंगी तो आएंगी। चलिए मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर में।